तुम राम नहीं बन सकते तो, तुम राम नहीं बन सकते तो कण के एक भाग सा राम बनो, कण के एक भाग सा राम बनो, कण के एक भाग सा राम बनो। नमस्कार देवियों और सज्जनों, विजय सिंह स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बहुत विशेष शो आपके बीच में लेके हाजिर हैं। शो का नाम है पोएट्री नेस्ट, यानी कविताओं का घोंसला। बहुत सुंदर सुंदर कविताएं आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, नवोदित और स्थापित कवियों द्वारा लिखी गई बेहद खूबसूरत रचनाएं। और आज जिनकी रचना आपके बीच में लेके हाजिर हूँ, बहुत ही नवोदित रचनाकार है ऋषिदेव तिवारी। और ये कविता जिसके इर्द गिर्द घूम रही है वो है हम सभी के आदर्श राम। हम सभी राम जैसा बनना चाहते हैं, उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों को अपनाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम राम बन सकते हैं? इसी के इर्द गिर्द ये कविता घूमती है जिसका शीर्षक है तुम राम नहीं बन सकते तो। तो आइए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत सी कविता जिसका नाम है तुम राम नहीं बन सकते तो। निंदित कर्मों के बीच फंसे, निंदित कर्मों के बीच फंसे, सत्कर्मों के अभिराम बनो, तुम राम नहीं बन सकते तो। कण के एक भाग सा राम बनो, कण के एक भाग सा राम बनो। पर निंदा की तुम धारा में, पर निंदा की तुम धारा में बहते ही बहते जाओगे, पर निंदा की तुम धारा में बहते ही बहते जाओगे। कलुषित मन के दुर्भावों पर पर्वत सा पूर्ण विराम बनो, तुम राम नहीं बन सकते तो। कण के एक भाग सा राम बनो, कण के एक भाग सा राम बनो। नीति अनीति के सागर में, नीति अनीति के सागर में नाविक तो अब तुम बन बैठे, नीति अनीति के सागर में नाविक तो अब तुम बन बैठे। लहरों से क्यों भयभीत हुए, एक सत्यनिष्ठ संग्राम बनो, तुम राम नहीं बन सकते तो। कण के एक भाग सा राम बनो, कण के एक भाग सा राम बनो। आराध्य नहीं हो सकते तुम, आराध्य नहीं हो सकते तुम जब तक ना अहम का त्याग करो, आराध्य नहीं हो सकते तुम जब तक ना अहम का त्याग करो। जलधि सदृश तुम हठी नहीं, निर्मल जलसा अविराम बनो, जलधि सदृश तुम हठी नहीं, निर्मल जलसा अविराम बनो। तुम राम नहीं बन सकते तो, कण के एक भाग सा राम बनो, कण के एक भाग सा राम बनो। शत्रु भाव पर लक्षित हो, शत्रु भाव पर लक्षित हो, तुम मित्र भाव ही दर्शाओ, जब शत्रु भाव पर लक्षित हो तुम मित्र भाव ही दर्शाओ। निंदक की निंदा को तुम प्रेम भाव से भर जाओ, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण सा एक प्रेमी बनकर तुम सबल लेख बलराम बनो, तुम राम नहीं बन सकते तो, तुम राम नहीं बन सकते तो। कण के एक भाग सा राम बनो, कण के एक भाग सा राम बनो, कण के एक भाग सा राम बनो। ये प्यारी सी कविता लिखी थी हमारे लिए बेहद उम्दा कवि ऋषिदेव तिवारी जी ने। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी कविता को अपने इस कार्यक्रम में सम्मिलित करें तो लिख भेजिए हमें vijaysinghstudio@gmail.com पे। और अगर आपको ये हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल, Facebook पेज और Instagram पेज को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे किसी नई कविता के साथ, तब तक के लिए विजय सिंह स्टूडियो की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.